जेएमएम कह रही है कि भाजपा सूद गई, इसलिए भाजपा पंचायत लेवल से आदमी जगाने की कोशिश कर रहा है, आपका क्या कहना है? जेएमएम की पॉलिटिकल पार्टी है और बयानबाजी करती है। अभी आप देखिए कि स्टैटिस्टिक्स के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो 50% हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, और जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गांव की सरकार हमारी मजबूत है, और गांव कई लोग वोट देते हैं तो आज प्रदेश की सरकार बनती है, और लोग बदलाव के दृष्टिकोण से जब वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। सुप्रियो भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि गांव में जाओ तो भाजपा भगाओ नारा चल रहा है, और ये लोग ढोकोसला कर रहा है कि भाई आ जाइए पंचायत से, सब आ जाइए और अपने पार्टी को मजबूत कीजिए। नहीं, मैं तो खुद ही जा रहा हूँ पंचायत में, पंचायत घूम रहा हूँ, बोल रहे कि भाजपा हो और जेएमएम भगाओ, तो ये तो मैं कहीं नहीं सुन रहा हूँ। यहाँ मैं सुन रहा हूँ कि भाजपा हो और जेएमएम भगाओ, कल बोला था वो, उनकी पार्टी का स्टैंड है इसलिए वो बोल रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी इसलिए बोल रहा है, लेकिन भाजपा लाओ जेएमएम भगाओ ये नारा है। जेएमएम भगाओ अमित जी का कहना है, लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य कहना है कि भाजपा को पंचायत से भगाने का काम जनता कर रही है, और भाजपा अपने डूबे नहुआ को बचाने के लिए चारों तरफ से पंचायत लेवल से आदमी जमा करते फिर रही है। कैमरामैन वरुण के साथ जोगी मंजरी, डॉक्टर झारखंड।